अक्सर आपके फोन में कई सारे लोन लेने के ऑफर आते होंगे और आप में से कई लोग ये लोन ले भी चुके होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं ये लोन ऐप आप जैसे ना जाने कितने लोगों के घर बर्बाद कर चुके हैं। आज सच कहूं इसी मुद्दे को लेकर अपने दर्शकों के सामने आया है। हाल ही में चीनी लोन ऐप से लोगों को ठगने वाले गिरोह के पकड़े जाने के बाद आरोपियों ने कई बड़े खुलासे किए हैं। आरोपी लोगों के मोबाइल का निजी डाटा चीनी कंपनी के सर्वर पर अपलोड करने के बाद ही रुपए जारी करते हैं। इसके बाद इन्हीं निजी डाटा के जरिए लोगों से वसूली की जाती है। जो लोग लोन लौटाने में देरी करते हैं या मना कर देते हैं, उनकी फोटो अश्लील बनाकर सार्वजनिक करने की धमकी दी जाती है। ऐसे में लोग डर कर ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाते हैं। ये आरोपी आपको फंसाकर लोन के लिए एक कंपनी का ऐप डाउनलोड कराते हैं। ऐप आपके संपर्क, गैलरी और अन्य मीडिया में जाने की अनुमति मांगता है। अधिकांश लोग इसे बिना पढ़े ही अनुमति दे देते हैं। जो इसे पढ़कर अनुमति नहीं देते, उनकी लोन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती। लेकिन जो लोग अनुमति दे देते हैं, उसके बाद ये ऐप आपके संपर्क विवरण, चैट, गैलरी, फोटो निकाल कर चीनी कंपनी के सर्वर पर अपलोड कर देती है। इसके बाद लोन के रुपए आपको जारी कर दिए जाते हैं। आपको बता दें कि आरोपी चीन के डिंग टॉक समेत अन्य ऐप से जुड़े भारतीय लोगों का डाटा लेते हैं। इसके बाद उनके मोबाइल पर लोन लेने के लिए मैसेज भेजते हैं। मैसेज में वह बिना दस्तावेज और आसानी से मिलने वाला लोन बताते हैं। जिन लोगों को छोटे लोन की जरूरत होती है, वो इनके झांसे में फंस जाते हैं। आपको बता दें कि ये लोग आपको कैसे अपना शिकार बनाते हैं। सबसे पहले सोशल मीडिया पर आसानी से लोन देने वाले विज्ञापन आपको दिखाए जाते हैं। फिर लोन के लिए कोई दस्तावेज आपसे नहीं मांगे जाते। इसके बाद डिंग टोंग ऐप या अन्य चीनी ऐप से आपके मोबाइल पर मैसेज भेजे जाते हैं और आप लालच में आकर लोन ले लेते हैं। इसके बाद आपका निजी डाटा चोरी कर अश्लील तस्वीरों के जरिए आपको ब्लैकमेल किया जाता है। ये लोग लोन के पैसे चुकाने वाले लोगों को भी अपना शिकार बनाना नहीं छोड़ते। ऐसे में यदि आप फंस जाएं तो आपको सबसे पहले अपने जिले के साइबर सेल थाने में शिकायत दर्ज करवानी चाहिए या 1930 नंबर पर तुरंत कॉल करनी चाहिए। इसके साथ ही www.cybercrime.gov.in पर जाकर एक मेल के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करवानी चाहिए। वहीं लोगों को ठगी का शिकार होने से बचाने के लिए अब गूगल ने भी अपने प्ले स्टोर से पर्सनल लोन ऑफर करने वाले ऐप पर लगाम लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। गूगल ने फैसला लिया है कि 31 मई से ऐसे ऐप पर प्रतिबंध करते हुए इन्हें प्ले स्टोर से हटा दिया जाएगा, ताकि आमजन इन चीनी ऐप से बच सके। तो सच कहूं आपसे अपील करता है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले ऐसे लोन विज्ञापनों से खुद को बचाएं और इस महत्वपूर्ण जानकारी को ज्यादा से ज्यादा साझा करें और अपने कमेंट हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें YouTube पर सच को हिंदी चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।